हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम देते हैं पुराने सिक्के और नोट्स के बारे में सच्ची जानकारी। आज हम आपको अपने इस वीडियो में 25 पैसे राइनो कॉइन के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि कौन से कॉइन रेयर होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है। इससे पहले कि अपना वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए लाइक सब्सक्राइब और दबाइए बेल बटन, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो राइनो वाले कॉइन होते हैं बहुत रेयर होते हैं और उनकी लाखों और करोड़ों में वैल्यू होती है। ऐसी कोई बात नहीं होती है दोस्तों। देखिए, हमारे पास 200 कॉइन्स का लॉट रखा हुआ है और उसमें बहुत सारे मिंट के बहुत सारे कॉइन्स हैं और इनकी वैल्यू अप्रॉक्स, ये यूएनसी कंडीशन में कॉइन्स हैं, इनकी वैल्यू अप्रॉक्स जो होती है, मैक्सिमम अगर आपको मिल सकती है तो यूएनसी कंडीशन में अप्रॉक्स 1 to 1.5 रुपीज मिल सकती है। इससे ज़्यादा इनकी वैल्यू नहीं होती है। अगर आपको बाय करना है या सेल करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कॉइन स्टेनलेस स्टील के होते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है इनके मेटल के अकॉर्डिंग ही होती है और मार्केट पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये होती है, कलेक्टर्स, अगर कलेक्टर्स का ज़्यादा डिमांड है तो इनकी वैल्यू अकॉर्डिंगली बढ़ सकती है या घट सकती है। अब बात करते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा रेयर कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अगर रेयरिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो रेयर होता है ये राइनो कॉइन में, वो 1993 का हैदराबाद मिंट का कॉइन होता है। आप सोचे होंगे हैदराबाद मिंट कौन सा होता है। दोस्तों, तो अगर आपको मिंट के बारे में पता नहीं है तो आप हमारी पहली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने मिंट के बारे में बताया और मिंट कैसे पहचाने जाते हैं वो ये भी बताया है। दोस्तों, अगर हैदराबाद मिंट का कॉइन है तो उसका जो ईयर होता है, ईयर के नीचे स्टार का सिंबल होता है। अगर स्टार का सिंबल है तो हैदराबाद मिंट का कॉइन है। अगर दोस्तों आपके पास 1993 का 25 पैसे राइनो कॉइन हैदराबाद मिंट का है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू की बात की जाए तो ये अप्रॉक्स 1000 रुपीस पर पीस पे सेल हो जाता है यूएनसी कंडीशन में, और इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही इसकी वैल्यू होती है। अगर उस समय डिमांड ज़्यादा है या मार्केट में कॉइन्स कम हैं तो आपको अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक बुक है जिसमें इसकी रेयरिटी के बारे में दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपके पास 1992 का कलकत्ता और हैदराबाद मिंट का कॉइन है तो स्कैस कंडीशन में स्कैस होता है, वो ज़्यादा वैल्यू उसकी नहीं मिलती। लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है रेयर, वो होता है 1993 का हैदराबाद मिंट का कॉइन। देखिए, वो रेयर माना जाता है और इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मिल सकती है। दोस्तों, आपको अगर आप के पास ये कॉइन्स है तो आप हमारे ईमेल आईडी पे इसके पिक्स भेजिए और हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और ये कॉइन्स जरूर खरीदेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।